हेलो दोस्तों, अगर आपका बच्चा पेट में मूवमेंट नहीं कर रहा है या मूवमेंट कम कर रहा है तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दूंगी कि आपका बच्चा मूवमेंट कैसे करेगा और नहीं कर रहा है तो आपको क्या करने हैं। सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करती हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छी अच्छी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर गर्भ में शिशु किक नहीं कर रहा है तो कुछ तरीके मैं इस वीडियो में बताऊंगी जिसको आपको फॉलो करना है। अगर गर्भावस्था के दौरान शिशु का विकास सही तरीके से समय पर हो जाए तो शिशु गर्भ में अच्छे से मूवमेंट करता है, और शिशु का विकास अगर सही तरीके से नहीं हुआ हो तो शिशु मूवमेंट अच्छी तरह से नहीं करता है। अगर शिशु का विकास सही तरीके से हो जाए तो एक प्रेग्नेंट महिला के लिए ये खुशी का विषय होता है। दोस्तों, तो शिशु की हलचल में कमी होने के क्या क्या कारण होते हैं, क्योंकि ये अक्सर महिलाओं के साथ होता है। कई महिलाएं समय से पहले ही शिशु की मूवमेंट के बारे में सोचने लगती है कि उनका शिशु किक करेगा, लात मारेगा, पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों, समय के पहले तो ऐसे भी नहीं होता है और अंतिम महीनों में भी कम मूवमेंट होता है। अगर आपका शिशु मूवमेंट नहीं कर रहा है तो सबसे पहले आप ये देखें कि समय कितना हुआ है। शिशु का जो मूवमेंट शुरू होता है वो 5 से 6 महीने के बीच में होता है। कई शिशु पहले ही मूवमेंट करने लगता है और कई शिशु लेट में करता है। तो शिशु के मूवमेंट हमेशा माँ के खान पान और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। अगर आपका बच्चा स्वस्थ है, अगर आप स्वस्थ हैं तो शिशु जल्दी ही आपके पेट में घूमेगा, किक करेगा, लात मारेगा। दोस्तों, गर्भ में शिशु की हलचल में कमी का जो सबसे अहम कारण होता है वो विकास नहीं हो पाना। ऐसे में आपको शुरुआत से ही ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। दूसरा जो कारण होता है, या तो बच्चे का विकास हो गया है और घूमने की जगह जो है वो कम है तो कम हलचल करेगा। जन्म लेने की सही पोजीशन में आने पर शिशु के हलचल कम महसूस होते हैं। अगर आप अंतिम महीने में हैं तो हो सकता है ये समस्या आपके साथ हो। जब शिशु गर्भ में आराम कर रहा हो तो शिशु की हलचल कम महसूस होती है, ऐसा नहीं कि हमेशा मूवमेंट करते ही रहेगा। जब कई महिला काम में बिजी रहती हैं तो इस दौरान उनको हलचल पता ही नहीं चलता। तो अगर आपका शिशु हलचल नहीं कर रहा है, आपका 6 महीना हो गया है, 7 महीना हो गया है, नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले आप डॉक्टर से जाके मिलें, चेक करवाएं कि क्या कोई समस्या तो नहीं है। इस समय आपको डॉक्टरी सलाह की बहुत ज़रूरत है, पर मैं कुछ तरीके बता रही हूँ जिसको आपको सबसे पहले करने हैं। यदि शिशु गर्भ में हलचल नहीं कर रहा है तो आप आराम से करवट लेकर लेट जाएं। ध्यान रहे, बाएं करवट होकर लेटें। आराम से लेटने पर जब शिशु को बाहर की कोई हलचल महसूस नहीं होती है, ऐसे में शिशु हलचल करने लगता है। इसलिए ऐसा माना जाता है शिशु दिन की अपेक्षा रात में ज़्यादा हलचल करता है। यदि आपको लेटना नहीं है तो आप आराम से बैठ जाएं और महसूस करें, आप खुद देखेंगे शिशु हलचल जरूर करेगा। शिशु की हलचल यदि महिला महसूस नहीं कर पा रही हैं तो ऐसे में आपको ठंडे पानी का सेवन करना चाहिए। इससे गर्भाशय के तापमान में अचानक से बदलाव आएगा और शिशु हलचल करने लगेगा। पर ध्यान रहे दोस्तों, हमेशा ट्राई नहीं करना है, ऐसा ना हो कि आप बीमार हो जाएं, सर्दी खांसी हो जाए, बिना मौसम में आप ठंडा पानी पी लें। गर्भ में पल रहे शिशु की क्षमता धीरे धीरे बढ़ने लगती है, इसलिए महिला को ज़्यादा भीड़ भाड़ और शोर वाली जगहों पर जाने की मनाही होती है। इससे शिशु को सुनने की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। अगर शिशु किक नहीं कर रहा है तो आप ऐसे जगह पर जाएंगी, वहाँ पे आप महसूस कर सकते हैं। आप अपना हाथ पेट पे रखें और महसूस करें, आप खुद देखेंगे शिशु हलचल कर रहा होगा। जब माँ कुछ खाती हैं तो गर्भ में शिशु को पता चल जाता है। कुछ ऐसा चीज़ खाएं जिससे शिशु का हलचल आपको पता चल जाए, मीठा खाएं, खट्टा खाएं, आप खुद देखेंगे शिशु हलचल करने लगेगा। आइसक्रीम भी खा सकते हैं आप।
घर में पल रहे शिशु की हलचल को महसूस करने के लिए महिला को थोड़ी देर तक पेट पर हाथ फेरना चाहिए। ऐसे में माँ के टच का एहसास बच्चे को होता है और ये जब एहसास होता है तो बच्चा किक करने लगता है, मूवमेंट करने लगता है। दोस्तों, आपको अपने बच्चे से बात भी करना चाहिए। सुनने की क्षमता विकसित हो जाती है समय तक। अगर आप बच्चे से बात करेंगी, हाथ फेरेंगी, तो बच्चा भी आपका प्रतिक्रिया देगा। आपको ये एहसास बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, पेट पर लाइट अगर आप डालती हैं, रोशनी डालती हैं, तो बच्चा मूवमेंट शुरू कर देगा। आप चाहें तो टॉर्च की रोशनी डाल सकती हैं या मोबाइल का फ्लैश लाइट भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आपका बच्चा मूवमेंट करने लगेगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मूवमेंट करे तो आप थोड़ा सा जंप लें, ज़्यादा नहीं, और आराम से बैठ जाएं। आप खुद देखेंगे आपका बच्चा उत्तेजित हो जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों, समय से पहले बच्चा मूवमेंट नहीं करता और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, विकास संपूर्ण रूप से हो जाता है, तो भी बच्चा मूवमेंट कम करता है। अगर बच्चा मूवमेंट नहीं करे तो ये तो सामान्य सी बात है जो मैं उपाय बताई हूँ, पर हमेशा इसका इस्तेमाल नहीं करना। आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, बात करना है, अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना है ताकि बच्चे का विकास सही तरीके से हो और सही समय पर बच्चा वो सब करे जिसका आप इंतज़ार करते हैं। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताएं। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।